हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दोस्तों, कोई भी लॉ, चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ, कोई भी लॉ दो टाइप के होते हैं। एक होता है सब्सटेंशियल लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, इट प्रोवाइड्स द सब्सटेंशियल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिमिनल लॉज की बात करें, इन आवर कंट्री देर इज़ अ जनरल क्रिमिनल लॉ कॉल्ड IPC, इंडियन पिनल कोड। तो ये जो IPC है, IPC प्रोवाइड्स फॉर द जनरल क्रिमिनल राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू एवरी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देर इज़ अ पर्सन कॉल्ड ए हु कॉजेज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन कॉल्ड बी। नाउ ए विल बी चार्ज विथ आइदर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, एंड इफ इट इज़ प्रूव्ड that A has caused the death of B, A will be given certain punishment. So ये जो liability A के ऊपर impose किया गया, जो भी punishment उनको मिला, चाहे वो life imprisonment हो या 10 साल का rigorous imprisonment हो या death sentence हो, जो भी उनको punishment मिलता है, जो भी liabilities उनके ऊपर impose किया गया, that has been provided in IPC. But at the same time, अगर A ये prove कर देता है, if A proves that he has caused the death of B in private defense, अपने आप को protect करने के लिए B का execution करना पड़ा, then A will get a right, and that is an immunity from all kinds of liability, that is all kinds of punishment. तो ये जो right किसी को दिया गया, वो भी IPC में दिया हुआ है। तो ये जो substantial rights और liabilities है, ये सब्सटेंटिव लॉ में दिया जाता है, जैसे कि IPC। लेकिन सब्सटेंटिव राइट्स या लाइबिलिटी जो भी है, उसके बारे में बात तब होता है जब सारा सब कुछ प्रूव हो जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन उसके पहले, फ्रॉम द मोमेंट द ऑफेंस वॉज कमिटेड एंड एट द टाइम वेन द जजमेंट कम्स, इन बिटवीन दिस टू पॉइंट देर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। और ये जो लॉन्ग प्रोसेस है, इस टाइम पे जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, दैट इज़ देयर इन द प्रोसीजरल लॉ, एंड इन आवर कंट्री द क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ इज़ कॉल्ड द CRPC। जैसे कभी जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जैसे जो एक्यूज्ड होता है उसको अरेस्ट करना होता है, या फिर कभी कभी उसको बेल में छोड़ दिया जाता है, या फिर उसको बहुत बार समन किया जाता है, बहुत सारे विटनेस को इंटरोगेट किया जाता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल उसको सर्च एंड सीजर करना होता है, टाइम टू टाइम एक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। तो ये सारे जो प्रोसीजर है, इसमें ये सारे प्रोविजंस जो है, ये है प्रोसीजरल लॉ में। तो हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ है, उसमें मेनली तीन स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन इज द स्टेज वेयर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस टेक्स प्लेस। और ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस कौन करता है? पुलिस करती है। इंक्वायरी वो स्टेज होता है जब एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये डिसीजन लेते हैं कि जो भी एविडेंसेस मिला, उसके आधार पर क्या केस को फर्दर ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है कि नहीं। तो ये इसको दूसरे नाम से कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस भी कहा जाता है। तो इंक्वायरी स्टेज में एक जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है, जब ये डिसीजन लिया जाता है कि केस को और प्रोसीडिंग्स को और फर्दर लाया जा सकता है कि नहीं। एंड इन ट्रायल स्टेज, कोर्ट में सारे एविडेंसेस सबमिट किया जाता है, एडमिट किया जाता है, और उसी एडमिशन एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट में डिसीजन होते हैं। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये एक एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव है, तो जो जुडिशियरी है वो इन्वेस्टिगेशन पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। सिमिलरली, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो जुडिशियल मैटर पे भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर, उसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये जो मेन तीन स्टेज है
these three stages are the main three stages of our entire criminal procedure, and the entire CRPC revolves around these three stages. तो आगे की वीडियो में हम इस तीन स्टेज के बारे में विस्तार में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही दोस्तों. थैंक यू.